सो है गाइज़ वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो सो आई नो कि इन दिनों मेरी ड्रॉइंग की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है क्योंकि अभी मेरा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था और फिर कॉलेज भी स्टार्ट हो गया तो ड्रॉइंग पे फोकस ही नहीं हो रहा था और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा था तो उसी उस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी तो अब बात करते हैं कि आज की वीडियो के बारे में तो आज मैं ये ओल्ड मैन की ड्रॉइंग ड्रो करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन ड्रॉ की है जो कि मैंने नॉर्मल टू पॉइंट फाइव एम एम के पेंसिल से ड्रॉ किया है और अब मैं यहाँ पर शेडिंग करने वाला हूँ तो शेडिंग के लिए मैं मोस्टली चारकोल पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ और जहाँ कहीं भी बहुत ही ज़्यादा लाइट शेडिंग है तो वहाँ पर मैं शायद एच ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करूँगा तो आई थिंक इन्हीं पेंसिलों का यूज़ करके मैं कंप्लीट ड्राइंग ड्रॉ करने वाला हूँ तो देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके का आता है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल को पेंसिल का यूज़ करके स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ जहाँ कहीं भी मुझे डार्क स्ट्रोक ऐड करने हैं तो वहाँ पर मैं सिंपली वो कुछ ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा बस सिंपल ही स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ अभी तक के मैंने जितने भी ड्राइंग की है तो वहाँ पर मैं पहले लाइट शेडिंग करता था और फिर डार्क शेडिंग ऐड करता था मगर इस ड्राइंग में मैं पहले डार्क शेडिंग करने वाला हूँ जहाँ भी डार्क वैल्यू है तो जैसे कि यहाँ पर आईज है तो वहाँ पर मैं पहले डार्क करूँगा और फिर उस पर मैं लाइट शेडिंग ऐड करने वाला हूँ अलग से अगर मैं बात करूँ कि मैं पहले किस तरीके से ड्राइंग करता था तो वहाँ पर मैं पहले लाइट शेडिंग ऐड करता था फिर मैं डार्क शेडिंग ऐड करता था तो डार्क शेडिंग के मुकाबले जो लाइट शेडिंग है वो कुछ ज़्यादा ही लाइट दिखता था तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे फिर से लाइट शेडिंग ऐड करना पड़ता था तो वो करना ना पड़े तो उसी वजह से मैं यहाँ पर पहले डार्क वैल्यू जो है वो मैंने ऐड कर रखी है तो उसकी उस वजह से मुझे पता चलेगा कि अब मुझे लाइट शेडिंग कितनी करनी है ये मेथड का अप्लाई इस ड्राइंग में मैं आज करने वाला हूँ मेरा मानना यह है कि हमें सब टेक्निक जो है ड्राइंग में वो ट्राई करनी चाहिए और फिर उसमें से जो हमें सही लगे वो टेक्निक ऐड करनी चाहिए तो जैसे कि मैंने इस ड्राइंग में मैंने कुछ अलग टेक्निक से ड्रॉ करने का ट्राई किया है तो देखते हैं कि इसमें किस किस तरीके का रिजल्ट मिलता है अगर रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो मैं नेक्स्ट ड्राइंग में भी इसी तरीके के टेक्निक यूज़ करके ड्राइंग करने वाला हूँ और शेडिंग में मैं यहाँ पर फिलहाल मैं चार को पेंसिल और जीरो पॉइंट फाइव एम एम के पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ शेडिंग करने के बाद मैं उसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ और फिर मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करके जहाँ कहीं भी मुझे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट एरिया में मैं मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट कर रहा हूँ और डिटेलिंग के लिए मैं नॉर्मल चारकोल पेंसिल और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल सॉफ्ट यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है तो कहीं जगह पर मैं उस चारकोल पेंसिल का यूज़ करके डिटेल ऐड कर रहा हूँ और हाईलाइट के लिए मैं मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करके जो भी वाइट एरिया है तो वहाँ पर मैं मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करता हूँ और चश्मे में मैं, मैं जैसे कि रेफरेंस पिक में टोटली डार्क दिखाया गया है तो उसलिए मैं यहाँ पर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके टोटली डार्क कर रहा हूँ और फिर जहाँ कभी मुझे लगे कि टोटली डार्क है तो वहाँ पर मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का दिक्कत ये है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो एकदम ही सॉफ्ट होता है तो चारकोल जो होता है वो इधर उधर बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है तो आप जब भी सॉफ्ट शार्क पेंसिल का यूज़ करें तो आ, उसका जो चारकोल है तो उसे रिमूव करने के लिए आ, कोई ब्रश या फिर कोई टिश्यू पेपर का यूज़ करें अगर आप हाथ से अगर रिमूव करोगे तो वो आपकी जो भी स्केच है तो वहाँ पर पूरा चारकोल का जो लेयर जो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता है तो वो वैसा बना देता है और फिर अगर आपको उसे इरेज करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब दिखता है तो चार सॉफ्ट चार्को पेंसिल आप जब भी यूज़ करें तो आ, आ, कुछ ऐसी चीज़ साथ में रखें कि जिससे आप एक्स्ट्रा चार्कों को रिमूव कर सकें इस साइड पे भी मैं वही टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहले मैं डार्क स्ट्रॉक ऐड करूँगा फिर डार्क वैल्यू जहाँ पर भी है मैं वो मैं वो कवर करूँगा और फिर वो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं लाइट शेडिंग स्टार्ट करूँगा तो वही सेम टेक्निक मैं इस आइज़ में भी यूज़ करने वाला हूँ तो जब मैंने पहली बार वहाँ पर उस आइज़ में जब ट्राई किया था तो वो मुझे अच्छे से नहीं हो रहा था क्योंकि जब मैं डार्क वैल्यू ऐड कर रहा था तो वो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा दिख रहा था मगर जब मैंने इस पे मैंने वो टेक्निक ट्राई किया तो तब मुझे पता चला कि जब हम डार्क शेडिंग ऐड करते तो फिर उसे हमें ब्लेंड भी करना होता है साथ में अगर हम साथ में ब्लेंड करोगे तो जो एक्स्ट्रा चारकोल है तो वो आसपास के जो भी एरिया है उसे कवर कर देता है और वो उसे हमें टोटल रियलास्टिक फीलिंग देता है तो उसी टेक्निक का यूज़ मैंने यहाँ पर बेहतर तरीके से किया है तो जैसे कि हम प्रैक्टिस वन बाय वन करते हैं तो हमें उसमें इम्प्रूव देखने को मिलती है तो आई थिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले जो मैंने पहले इस टेक्निक का यूज़ करके ड्राइंग किया था और फिर अभी जो मैं ड्राइंग में जो टेक उसी टेक्निक का यूज़ करके अभी जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो उसमें कितना फर्क दिखता है तो टेक्निक को इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम लगता है पर रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है और रही बात डिटेलिंग ऐड करने की तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप शेडिंग ऐड करो शेडिंग ऐड करने के बाद ही आपको डिटेल ऐड करोगे तो वो अच्छा रहेगा क्योंकि जब आप पहले डिटेलिंग ऐड करोगे तो और फिर उसे शेडिंग करोगे तो वो वहाँ पर आई थिंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो भी आपका आर्ट है जो भी आपने डिटेल किया था वो मिट जाएगा तो मैं कहता हूँ कि पहले शेडिंग कर दो और फिर उस पर डिटेल ऐड करो और फिर उसे हाईलाइट करो तो इस मेथड का यूज़ करोगे तो वो वहाँ पर आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देगा सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट एपिसोड में हम नोज़ और लिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं तो देखते हैं कि मैं किस कितने टाइम में वो वीडियो अपलोड करूँगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसा ही ड्राइंग रिलेटेड कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो के लिए गुड बाय